तो वहीं बड़वानी जिले के तलवाड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग को लेकर ग्रामीणों के द्वारा धरना दिए जाने का मामला सामने आया है, जहां ग्रामीण 5 जुलाई से सामान्य धरने पर बैठे थे, लेकिन अब उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल पूरा मामला बड़वानी जिले की ठीकरी विकास खंड के ग्राम तलवाड़ा का है, जहां हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं होने की वजह से बेटियां अब पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो रही हैं। लेकिन अब स्कूल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, नारेबाजी करते हुए सरकार व प्रशासन से अब स्कूल की मांग है। वही मांग नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी। स्कूल यहाँ 10वीं तक है, हमको चाहिए 11वीं 12वीं, और 15 साल से हम इसका प्रयास कर रहे हैं, बाकी शासन प्रशासन ने इसकी कोई जानकारी नहीं, अभी तक जानकारी भी नहीं आ गई। भोपाल में इसकी जानकारी भी नहीं है कि कागज वहाँ पहुँचे हैं अभी तक, और शासन प्रशासन का कहना है कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है, उस कारण हमको यहाँ बैठना पड़ा। कब से बैठे हैं आप? हम यहाँ बैठे हैं 5 तारीख से, हड़ताल पे बैठे, हड़ताल बैठे, और आज से भूख हड़ताल पे हो गए। कितने लोग बैठे भूख हड़ताल? भूख हड़ताल पे हम 5 लोग बैठे हैं। कब तक बैठेंगे ये? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी जब तक बैठे रहेंगे। अभी पढ़ नहीं रही हूँ, यहाँ पर स्कूल नहीं है। 11वीं कहाँ से की आपने? 11वीं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक अंडर से। अभी फिर क्या समस्या क्या रही है? समस्या ये है कि आने जाने में तकलीफ होती है, बस वाले बिठाते नहीं हैं, फिर शाम हो जाती है, घर आते आते फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाती है। ग्राम तलवाड़ा डैम में ग्रामीण जनों के द्वारा हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी में उन्नयन करने की मांग की जा रही है। इसके लिए इन्होंने ज्ञापन दिया था, और ज्ञापन देने के बाद आज जानकारी मिली है कि यहाँ इस प्रकार की भूख हड़ताल की जा रही है। तो प्रशासन के प्रतिनिधि होने के नाते मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ, संवाद स्थापित किया गया, और इन लोगों के द्वारा पूर्व में भी जो आवेदन दिए गए थे, वर्तमान में जो आवेदन दिए गए हैं, तथा शिक्षा विभाग के द्वारा किस किस प्रकार कब का पत्राचार हुआ है, वो सब जानकारी की अपडेट लेकर इनको शाम तक अवगत करा दिया जाएगा। जैसी भी अपडेट होगी इनको हर जानकारी बिंदुवार बता दी जाएगी। आज ही जानकारी मिली है, तो जैसे ही हमारी सुबह की TL बैठक खत्म हुई, उसके बाद मैंने माननीय कलेक्टर महोदय से संवाद किया, उसके बाद मैं उपस्थित हुआ। इनकी जो मांग के बिंदु हैं उसके विषय में पूर्णतः संवाद हो चुका है, और फिर आगे जो इनके सहायक आयुक्त हैं जनजाति कार्य विभाग के, उनसे समन्वय स्थापित करके कि इनकी मांग जो है अभी कहाँ तक है या किस स्तर पर पेंडिंग है, उसके बाद फिर इन्हें अपडेट दिया जाएगा। ऐसी जानकारी अभी आपके माध्यम से प्राप्त हुई है, और यदि कोई आवेदन दिया होगा तो फिर मैं दिखवाता हूँ कार्यालय से। सर, इनकी अभी क्या व्यवस्था की गई है, क्या भूख हड़ताल समाप्त की जाएगी? अभी अभी लगभग मेरी आधी पौन घंटे इनसे हर एक बिंदु पर बिंदुवार संवाद हुआ है। समस्त ग्रामीण जनों ने एक एक बिंदु पर मुझे जानकारी दी कि सर पूर्व काल में ऐसा हुआ, और हम लोग विगत कई महीनों से कई वर्षों से यही मांग कर रहे हैं छात्र हित में, और आसपास के लगभग 2-5 जो बड़ी बड़ी पंचायतें हैं, वो आसपास के 8-10 गांव हैं कि सर हमारे गांव में भी एक हायर सेकेंडरी स्कूल स्थापित हो, ताकि बच्चे बच्चियाँ जो आसपास गांव के हैं वो यहीं पढ़े। तो जिनकी जो मांग है उसकी एक अपनी एक प्रक्रिया है, हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी उन्नयन के सरकार के अपने एक नियम बने हुए हैं। तो आज जो मुझे इनसे संवाद के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है, वो सब मैंने एकत्रित कर ली है, और जो संबंधित डिपार्टमेंट है जहाँ से कार्रवाई होनी है उनसे आज संवाद स्थापित करके इनको शाम तक अपडेट दे दिया जाएगा। क्या सर उम्मीद की जाएगी 1-2 दिन में ये भूख हड़ताल समाप्त? बिल्कुल, जैसे ही मुझे जानकारी मिलती है कि क्या कार्रवाई हुई अभी तक संबंधित, इसके बाद अब देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस पूरे मामले में ग्रामीणों की सुध लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल की मांग को पूरी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, ठीकरी।